नमस्कार, आप देख रहे हैं SDF न्यूज और मैं हूं रमेश सिंह। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए देखते हैं बड़ी खबर। बिहार की राजनीति में वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने RJD पर निशाना साधते हुए कहा है कि GST प्राइस और मार्केट RJD को समझ में नहीं आता है। ये लोग GST वेट के फुल फॉर्म को भी नहीं बता पाएंगे। शिवानंद तिवारी शराब की डिलीवरी की बात तो करते हैं, इन लोगों के घर में कभी शराब की डिलीवरी हुई है क्या और इन्होंने इस बाबत कोई कंप्लेन भी किया है क्या, पहले ये तो बताएं। ये लोग केवल राजनीति करते हैं और इस राजनीति स्तर को इतना नीचे कर दिए हैं कि शिवानंद तिवारी को अपने बेटे से ही कंपटीशन हो गया है, क्योंकि वह RJD के विधायक हैं और शिवानंद तिवारी किसी भी पद पर नहीं है। वैट, GST, प्राइस, मार्केट, ये सब समझ में आता है क्या RJD को? GST वैट का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, ये लोग भाग निकल पड़ेंगे। और ये शिवानंद बाबा होम डिलीवरी की बात करते हैं, एक्चुअली ये लोग शराब मिस करते हैं। होम डिलीवरी, इनके घर में होम डिलीवरी हुआ है क्या? कभी इन्होंने किसी की कंप्लेन की है क्या? किसी शराबी को पकड़ाया है क्या? समाज में अपने दायित्व को निभाया है क्या? ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति का इनका स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि इन्हें अपने घर में ही अपने बेटे से कंपटीशन हो गया है कि वो MLA बन गया, मैं राज्यसभा या विधानसभा कहीं नहीं हूँ। तो दिन रात कॉम्पिटिशन के चक्कर में दिन भर तेजू, शर्म कीजिए, एक बार रिटायर हो चुके थे फिर वापस आ गए। लॉकडाउन में फंसे कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों का जत्था लगातार पटना पहुंच रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए पटना के 0 माइल 4 लेन पर पटना जिलाधिकारी कुमार रवि के विशेष नियंत्रण कक्ष बनवाया है, जिसका निरीक्षण करने खुद जिलाधिकारी कुमार रवि और पटना SSP उपेंद्र शर्मा पहुंचे। वहीं बनाए गए विशेष नियंत्रण कक्ष में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जहाँ जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को बस द्वारा दानापुर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, जहां पर मजदूरों का मेडिकल जांच के बाद जिला प्रशासन द्वारा किए गए बस से उनको सुरक्षित भेजा जा रहा है। यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा जो बाहर के मजदूर भाईगण आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए यहां पर विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है और यहां बसेस चल रही हैं जो जक्कनपुर साइड से मिठापुर के पास और यहाँ 0 माइल और यहाँ से दानापुर ले जाते हैं। दानापुर से सभी जगहों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चल रही है और बस का भी प्रबंध किया गया है। कल भी लगभग 1700 लोग यहाँ से उधर पहुँचाए गए हैं। इस तरह से आगे की व्यवस्था रहेगी और जो भी श्रमिक आएंगे उनको जो मूलभूत सुविधाएँ हैं यहाँ पर देते हुए उनको आगे परिवहन के लिए चाहे तो ट्रेन से या बस से आगे भेजा जाएगा। पूरा देश इस वक्त महामारी की चपेट में है और पूरा देश इस महामारी से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा है। वहीं दूसरी ओर इन दिनों शराब तस्करों की चांदी है। कभी एम्बुलेंस के माध्यम से तो कभी तेल के टैंकर के माध्यम से शराब तस्कर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में काफ़ी यह धंधा फल फूल रहा है। पत्रकार नगर थाना अंतर्गत बहादुरपुर पुल के पास से मुन्ना चक से एक लग्जरी गाड़ी टाटा सफारी में लदे 186 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि पत्रकार नगर थाना में तत्काल प्रभार थाना अध्यक्ष भगवान राम ने गुप्त सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि शराब से लदे गाड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा अंतर जिला वाहन पास का भी प्रयोग किया जा रहा था। जब्त सफारी गाड़ी के शीशे पर ऊपर में जिला प्रशासन अंतर जिला वाहन पास लगा हुआ है, जो साफ दर्शाता है कि शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे यह हादसा हुआ? तो हम लोग बेंगलोर से आ रहे थे, दरभंगा उतरे, दरभंगा से जो है बांका जा रहे थे बस से। तो क्या जगह नाम है, खरी, नौगछिया खरी, उसी जगह बस और ट्रक में टक्कर हो गया इससे। अच्छा, ये बताइए आपके बस पे कितने लोग सवार थे? 35-40 आदमी। कैसे हादसा हुआ? तो ट्रक और बस में टक्कर हो गया इसके वजह से। कितने लोग घायल होंगे अभी? घायल तो 8-10 आदमी घायल है, बस वाला ट्रक वाला मालूम नहीं है कितना होगा। बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ है, सिंपल टक्कर हुआ है, लेकिन बैलेंस लगाने के कारण ट्रक खाई में पलट गया है, जिससे
कारण कई सारी कैजुअल्टी हुई है। अभी एक्चुअल फिगर नहीं आ पाया है, लेकिन सात डेड बॉडी निकल गया है। जो यहाँ पर लोग उपस्थित थे उनके अनुसार 9 लोग थे, उसमें हो सकता है कि 2 डेड बॉडी और निकले। सर, ये बस में जो ट्रक में जो सवार थे मजदूर, कहाँ जाना था इन लोगों को? ट्रक में मजदूर सवार थे, इन लोगों का आधार कार्ड जो मिला है उसके अनुसार पूर्वी चंपारण के ये लोग थे। ऐसा लगता है कि ये लोग साइकिल से अपने घर जा रहे थे, रास्ते में कहीं पर ये लोग इस ट्रक पर बैठ गए हैं अपने साइकिल के साथ और वो ट्रक एक्सीडेंट हो गई है यहाँ पे। बस में सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? बस में 5 लोग इंजर्ड हुए हैं। बस दरभंगा से प्रवासी मजदूरों को लेकर के बांका जा रही थी और यही हम लोग के पास घटना घटी है बस और ट्रक में। और भी दबे होने की सर मलबे में आशंका क्या? बॉडी 2 और दबे होने की संभावना है, 7 बॉडी हम लोग निकाल चुके हैं, 2 और चांस है। कितने बजे? SDF न्यूज़ के इस बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और खबरों के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SDF न्यूज़ बिहार झारखंड, सबसे तेज खबर। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए बक्सर DMSP ने संयुक्त रूप से संबोधन करते हुए पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन 4.0 में वाहनों के संबंध में पूर्व के आदेश ही लागू रहेंगे। दोपहिया वाहन पर 1 एवं 4 पहिया वाहन पर ड्राइवर के साथ 2 आदमी ही चल सकेंगे। जिले के सभी प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटरों पर काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर एवं कामगार लगातार आ रहे हैं। सबों के आवासन एवं भोजन हेतु 24 घंटे कर्मचारी एवं पदाधिकारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब तक लगभग 1500 प्रवासी कामगार एवं मजदूर बक्सर जिला में पहुँच चुके हैं। सबों को उपलब्ध कराने के लिए डिग्निटी किट जिला स्तर से उपलब्ध कराया जा रहा है। बक्सर DM अमन समीर ने बताया है कि 42,917 परिवारों का नया राशन कार्ड बनाया जा चुका है। जीविका दीदियों ने भी कुल 60,000 नए परिवारों को चिन्हित किया है, जिस पर कार्य चल रहा है। कपड़ों की दुकानों को खोलने हेतु विस्तृत आदेश भी जारी किए गए हैं। बक्सर SP ने भी बताया है कि कुल 40,32,000 रुपया वाहन जांच के क्रम में कुल 5,059 गाड़ियों से वसूली की गई है। कुल 144 लोगों पर 59 FIR दर्ज किए गए हैं। बक्सर मुफसिल थाना क्षेत्र के सोंधिला गांव में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के कारण गांव के 3-4 घर जल कर बुरी तरह से खाक हो गए। इस अगलगी की घटना में एक बुजुर्ग महिला भी बुरी तरह से झुलस गई। गाँव वालों का आरोप है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के 0 माइल स्थित सोनाली पेट्रोल पंप के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल पंप से भरा भारत पेट्रोलियम के 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची अगमकुआं थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगमकुआं थाना क्षेत्र के सोनाली पेट्रोल पंप के पास 2 टैंकर है, उसमें आग लग गई है। सूचना मिलते ही हम लोग फायर को सूचित किए, खुद ही आए और फायर के सहयोग से उसको आग पे काबू पा लिया गया। 2 टैंकर हैं, एक शायद बताया जाए खाली है और एक डीजल भरा हुआ था। मैं अभी कारण पता नहीं चला क्यों आग लगा, लेकिन आग बहुत बृहद रूप से लगा था।
फायर ब्रिगेड की सहायता से हम लोग उसको कंट्रोल कर चुके हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं आग लगने से फोर लेन पर छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। एसडीएफ न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 97 घाट के किनारे गौतम चाय दुकान के समीप एक अज्ञात लगभग 50 वर्षीय पुरुष का शव मिलने से स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर दीघा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उन्होंने बताया कि यह कौन और कहां के रहने वाले हैं, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। आपको बता दें कि मृत बुजुर्ग के पास कोई भी परिचय पत्र नहीं पाया गया है जिससे कि उसकी पहचान हो सके। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग 3-4 घंटे से इस बुजुर्ग को तेज धूप में लाल बालू के ऊपर सोया हुआ पाया गया, जिसके बाद शंका होने पर पुलिस को मामले की खबर की गई। लॉकडाउन 4 लागू होने के बावजूद भी प्रवासी मजदूरों का दूसरे राज्यों से पैदल आने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना के 0 माइल 4 लेन पर दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर पैदल व साइकिल चलाकर पहुंच रहे हैं, जहां पटना जिला प्रशासन के तरफ से प्रवासी मजदूरों को खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं पटना सिटी SDO राजेश रोशन द्वारा सभी मजदूरों को खाना पानी देकर बस द्वारा दानापुर भेजा जा रहा है, जहाँ मजदूरों का मेडिकल जाँच के बाद उन्हें बस के द्वारा उन्हें घर भेजा जाएगा। पटना के 0 माइल 4 लेन पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों का कहना था कि राजस्थान हरियाणा समेत कई राज्यों से पैदल चलकर वे पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान से साइकिल चलाकर पहुंचे 3 प्रवासी मजदूर, जहां वो बताए कि राजस्थान में किसी प्लास्टिक फैक्ट्री में वो काम करते थे और लॉकडाउन होने से फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों को निकाल दिया, जिससे कई मजदूर पैदल ही चलकर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। वहीं 3 मजदूरों ने साइकिल खरीद कर दिन रात चलकर 8 दिन के बाद पटना पहुंचे हैं, फिर भी इनका सफर अभी लगातार जारी है क्योंकि इनको अभी और साइकिल चलाकर अपने घर मुजफ्फरपुर तक सफर तय करना है। एक तरफ राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार दावा कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन से लेकर बस की व्यवस्था की गई है, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में पैदल यात्रा कर पहुंचने वाले मजदूरों ने बताया कि साधन नहीं मिलने के कारण उन्हें पैदल और साइकिल के सहारे ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। साधन कुछ भी नहीं है, चल रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या प्रशासन द्वारा क्या खाना दिए हैं, भेजने के लिए तैयारी बना रहे हैं। कहाँ जाना? नर्मदा जिला बिहार से। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं और 6 दिन पर यहाँ पटना पहुँचे हैं, ऐसी पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, पटना पहुँचे हैं, क्या व्यवस्था यहाँ? पटना पहुँचे हैं तो हम लोग पुलिस कर्मियों ने द्वारा हमको खाना उना सब मिला, पानी भोजन हुआ अभी तक, और हम लोग के जाने के लिए बस चाहिए, गाड़ी साधन कोई। कहाँ जाना आपको? नालंदा जाना है। कितने लोग एक साथ आए? 19 आदमी है। 19 आदमी पैदल ही आए? पैदल ही आए वहाँ से। कोई साधन वगैरह नहीं मिला? साधन कुछ नहीं मिला वहाँ से। अभी यहाँ से प्रशासन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ से साधन मिलेगा, रुको खाना उना खा लो, आराम से रहो, हम साधन देता है यहाँ से। भूखा नहीं हो उसको खाना देना है, पानी देना है, उसको घर तक पहुँचाने के लिए बस की भी व्यवस्था की गई है।
तो बस अभी दो बस आ रही है, इन दो बसों से सारे लोगों को अपने अपने जिला के लिए दानापुर केंद्र पर भेजा जाएगा और वहां से हर जिला की बसें जा रही हैं जहां सुरक्षित इनको अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे हैं SDF न्यूज बिहार झारखंड का सबसे तेज चैनल। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए SDF न्यूज के साथ।